आज है गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे को ईसाई लोग शोक की तरह मनाते हैं, क्योंकि आज ही के दिन प्रभु ईसा मसीह को तमाम शारीरिक यातनाएं देकर सूली पर चढ़ाया गया था। कहा जाता है कि ईसाई धर्म ग्रंथों के अनुसार ईसा मसीह ईश्वर के पुत्र थे। वह लोगों को मानवता, अहिंसा और एकता का उपदेश दिया करते थे और जीवन और धर्म के सच्चे स्वरूप को समझाते थे। प्रभु ईसा मसीह का मानना था कि धर्म मन को जीतने का रास्ता है। प्रभु ईसा मसीह के इन उपदेशों को लोग काफी ध्यान से सुना करते थे। फिर धीरे धीरे लोग उन्हें ईश्वर मानने लगे। लोगों में प्रभु ईसा के लिए इतनी श्रद्धा देख वहाँ धार्मिक अंधविश्वास फैलाने वाले धर्मगुरु उनसे चिढ़ने लगे और लोगों के बीच बढ़ती प्रभु ईसा मसीह की लोकप्रियता उन्हें अखड़ने लगी और इसी कारण उन्होंने ईसा की शिकायत रोम के शासक पिलातुस से कर दी और उनसे कहा कि खुद को ईश्वर का पुत्र बताने वाला यह पापी इंसान ईश्वर राज की बातें भी करता है। जिसके बाद ईसा मसीह पर राजद्रोह के साथ धर्म की अवमानना करने का आरोप लगा दिया गया और फिर उनको मृत्यु देने का फरमान भी जारी कर दिया गया। लोगों में प्रेम और विश्वास जगाने वाले प्रभु यीशु को आज ही के दिन तमाम शारीरिक यातनाएं दी गई थी। कोड़े चाबुक बरसाने और कांटों का ताज पहनाने के बाद कीलों से ठोकते हुए उन्हें सूली पर लटका दिया गया था। इसीलिए यह दिन गुड फ्राइडे के नाम से जाना जाता है। आज ही के दिन प्रभु ईसा मसीह को याद किया जाता है। कहा जाता है कि बाइबल की माने तो जिस जगह पर ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया था उसका नाम गोलगोथा है। गुड फ्राइडे को होली फ्राइडे, ब्लैक फ्राइडे और ग्रेट फ्राइडे भी कहा जाता है।